वेल डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ी है। डॉक्टर स्वाति बताइए, हम लगातार आपसे ये चर्चा कर रहे थे कि नए स्ट्रेन की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो स्थिति अब बनती जा रही है, सेकेंड वेव वाली स्थिति बनती जा रही है, और यूपी के आंकड़े हमने आपको बताए, क्या कहना है आपका? बिल्कुल रोहित जी, देखिए रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा है बल्कि नया इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि जिस तेज़ी से अब रफ्तार से मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत डरावना है। और एक दुख की बात ये भी है कि पिछले साल भी वायरस ने हमें शह और मात दी थी, और इस साल भी दोबारा हम उस कगार पर खड़े हैं जहाँ वायरस हमें शह और मात दे रहा है। और ये इस वजह से भी है क्योंकि हम जो अपनी चालें चल रहे हैं वो बहुत लापरवाही के साथ चल रहे हैं। अगर आप देखें, चाहे आम जनता की बात करें, चाहे पिछले कुछ समय कुछ महीनों में अगर आप प्रशासन का रवैया भी देखें तो सभी का रिलैक्स हो गया था, सभी रिलैक्स मूड में आ गए थे। हर किसी को लगने लगा था कि अब हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है और अब हमारे भारत में दोबारा कोरोना दस्तक नहीं देगा, अब ये खत्म होने की तरफ आ गया है। वैक्सीनेशन आने से भी लोगों के मन में एक तरफ उत्साह जरूर आया, लेकिन लोगों के मन में लापरवाही भी आई है कि अब वैक्सीन आ गई तो अब तो कोरोना खत्म ही हो गया, अब तो रहा ही नहीं कोरोना। तो ये जो बातें थी, ये जो धारणा थी हमारे मन में, ये हमें बहुत नुकसान दे रही है। जिन लोगों को टीका लग चुका है वो भी आपने देखा है कि बेपरवाह बिना मास्क कर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हैं, वो साफ तौर से बोल देते हैं कि हमें तो वैक्सीन लग चुकी है, अब हम सुरक्षित हैं। या जिन्हें कोरोना हो चुका है वो भी मैं देखती हूँ कि जब आप रिकवर कर जाते हैं उसके बाद आप बेधड़क घूमते हैं, ये सोचते हुए कि अब तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज हैं, अब हम आराम से घूम सकते हैं, अब हमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन अब स्ट्रेन आ चुकी हैं, वायरस ने अपने पैतरे बदल लिए हैं, और इसलिए हमें भी सतर्कता अपनी और बढ़ाने की ज़रूरत है। हम वो पुराने जो बातें थी उनके हिसाब से नहीं चल सकते, और पिछले साल जो हम लोगों ने इतने पाठ पढ़ाए वो लग रहा है जैसे सब भूल ही गए, तो वो दोबारा से याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत घातक बीमारी है, ये बहुत कष्ट दे सकती है, ये आने वाले समय में आपके शरीर को बहुत दुख दे सकती है। और ना केवल एक व्यक्ति इससे जूझता है, पूरा परिवार इसके कष्ट से गुजरता है। और अब हम इस तरह के मामले भी सामने आते देख रहे हैं जहाँ टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन चेंजेस बॉडी में है। अगर हम ब्लड टेस्ट करें, अगर हम सीटी करें तो हम लोगों के अंदर परिवर्तन देखते हैं। तो ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अपने रूप इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हमारे लिए सतर्क रहना इस वक्त, हमारे लिए वही कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। और शायद कोई भी नहीं चाहता कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन अगर हम इसी तरह से लापरवाह रहेंगे, अगर हम आज भी इसके समय की नज़ाकत को नहीं समझेंगे तो लॉकडाउन दूर नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति।